एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। एसटीटी अभ्यर्थी कल अपनी मांगों को लेकर के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे, सचिवालय पर जाकर के सचिवालय गेट के ठीक सामने सचिवालय के अंदर तक जाकर पुतला दहन किया था। और एसटीटी लगातार अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने आज भी डटे हुए हैं। लेकिन आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई शिक्षा मंत्री की तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। बोले भारत की टीम लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रही है, लगातार उठा रही है और लगातार सरकार तक पहुंचाने की कवायद में है। इस बोले भारत की जो टीम है ये पहले मूव मीडिया के नाम से चलाया जाता था, तो ये वही मूव मीडिया है जो शुरुआती दौर से ही लगातार इस टीम के साथ एसटीटी अभ्यर्थियों की आवाजों को उठाने का काम किया गया है। अब आपको खबर की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिरकार आज का मुख्य खबर क्या है। दरअसल एसटीटी अभ्यर्थी मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर के झमेले में पड़ गए हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों की मांग है कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड करके उनका सर्टिफिकेट वितरण किया जाए, न कि मेरिट और नॉन मेरिट, जबकि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड के बावजूद उनके प्रमाण पत्र पर अलग से मेरिट और नॉन मेरिट का एक कॉलम बना दिया गया है। उनकी मांग है कि उस कॉलम को ही हटा दिया जाए। इसको लेकर कल सरकार के विरोध उन्होंने प्रदर्शन किया था, सचिवालय के अंदर जाकर पुतला दहन किया था। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ पुतला दहन किया गया था क्योंकि वहीं से पत्रकारिता परीक्षा का प्रमाण पत्र आना है और उन्हीं के द्वारा पूरा यह मापदंड तय किया जाना है। अब आपको बता दें कि आज सुबह सुबह शिक्षा मंत्री का एक बयान सामने आया जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले भी जो शिक्षा मंत्री के द्वारा वादा किया गया है, जो सरकार के द्वारा वादा किया गया है एसटीटी अभ्यर्थियों को लेकर, उसको लेकर आज भी मंत्रालय, आज भी विभाग आश्वस्त है उनके साथ किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से नाइंसाफी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि एसटीटी बिहार में पत्रता परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच बिहार टीटी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद अच्छी खबर बताई जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के बयान इस प्रकार के जारी किए गए हैं, लेकिन विभाग ने उनके बयानों को अनदेखा कर दिया है। इसी को लेकर के कल भी प्रदर्शन हुआ था। दरअसल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एसटीटी 2019 परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, चाहे मेरिट लिस्ट में हो या नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो, दोनों ही तरह के अभ्यर्थी सातवें चरण की नियुक्ति के लिए पत्रकार रखते हैं। शिक्षा मंत्री ने अपना यह बयान सचिवालय में बवाल होने के बाद जारी किया है। अब गौरतलब है कि सरकार ने जिस समय परीक्षा फल आया था उसी समय यह स्पष्ट कर दिया था कि पास होने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसके बाद भी कुछ तत्वों ने बिना मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनको गुमराह कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी सचिवालय के गेट के अंदर पहुंच गए और इन पर नियंत्रण के लिए पुलिस को बल तक का प्रयोग करना पड़ गया था। अब आपको बता देते हैं कि एसटीटी अभ्यर्थी ये कौन है जिनको लेकर के इतना बवाल मच रहा है, आखिरकार कौन है जो नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी हैं। यह खास बात है कि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को यह सलाह देते हुए कहा है कि पत्रता परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ पत्रता परीक्षा है। अभ्यर्थियों को इस बात को समझना चाहिए कि मेरिट लिस्ट तो नियुक्ति हेतु जो आवेदन लिए जाते हैं उनका बनता है, न कि पत्रता परीक्षा में सिर्फ पास फेल होता है, उसकी मेरिट लिस्ट नहीं तैयार की जाती है। ऐसे में पत्रता परीक्षा में सभी पास अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पत्रता जरूर रखते हैं। और अब इसी को लेकर के लगातार बिहार में बवाल मच रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की तरफ से इस प्रकार के बयान जारी किए गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के बयानों के दरकिनार करते हुए मेरिट और नॉन मेरिट का जो कॉलम बना करके बीएसईबी के द्वारा प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा का पूरा बवाल और ये छात्रों का जो भी कल का विरोध रहा ये उसी पर आधारित रहा। छात्रों की बस मांग इतनी है कि मेरिट और नॉन मेरिट के कॉलम को हटा दिया जाए, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का सीधा एकमात्र कॉलम रखा जाए। अगर ये कॉलम हटा दिया जाता है तो इनका बवाल थम जाएगा। इसको लेकर कल तेजस्वी यादव के आवास पर भी जाकर छात्रों ने मुलाकात करने की कोशिश किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी इनसे नहीं मिले, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा है। चारों तरफ से लाचार अभ्यर्थी प्रदर्शन के जुगत में प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो मेरिट लिस्ट धारक हैं, जो मेरिट लिस्ट में हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। यानी बिहार में एक ही पत्रता परीक्षा में दो कैटेगरियां, एक मेरिट और नॉन मेरिट के बीच में आपसी भिड़ंत भी है। देखने वाली बात है, आज भी शायद प्रदर्शन होने वाला है। आज के प्रदर्शन कितना असर डालता है सरकार के ऊपर, क्या इनकी मांगों को अतिशीघ्र मान लिया जाएगा,
जो प्रमाण पत्र वितरण किए जा रहे हैं उस पर रोक लगा दिया जाएगा, मेरिट और नॉन मेरिट के कॉलम को हटाया जाएगा या नहीं लगातार।